ये जो दिख रहा है ना, इतना भाग यहां से, ये वाला पूरा भाग जो दिख रहा है ना अंदर का, ये बनाना है। अब आपको ये डिजाइन इसमें नहीं करना है कि हाँ ये सब नहीं बनाना है, ये सब इधर जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला, ये नहीं बनाना है आप लोग को, ठीक है? आप लोग को ये नहीं बनाना है। चलिए, तो बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा सारा। हम लोग देखते हैं अपना क्या कहते हैं जो आगे पढ़ रहे थे। तो आज का टॉपिक था आप लोग का इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इस पिक्चर में आप लोग को इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, यहाँ पर ये हो गया इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? दिया हुआ है स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? दो तरह का इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हेडिंग दीजिए इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? तो चलो एक हम लोग बना लेते हैं स्ट्रक्चर इसका, रब जैसा बनाते हैं ऐसा करके। इस टाइप का रहता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है? और सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, और सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, एक दाना टाइप का रहता है। क्या रहता है आपका? दाना टाइप का रहेगा। दाना टाइप का रहेगा कैसे रहता है, चलिए हम दिखाते हैं। यहां पर ये ऐसे ऐसे दाना टाइप का रहेगा, ठीक है? ये पूरे में रहेगा, पूरे में तो हम नहीं देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का हो जाता है। एक जिसमें दाना नहीं रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो जाएगा आरईआर, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जल्दी से आप लोग लिखिए इसको, स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अपनी कॉपी में बनाइए। हाँ अभी तुरंत ही स्टार्ट ही हुआ है इसने, लिखिए इसको रेटिकुलम, और ये हो जाएगा आपका क्या, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख लिए। सबसे पहले देखिए कि नेटवर्क क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स और सीट कैसा रहता है, देखने में लगता है ट्यूब टाइप का बना हुआ है, वेसिकल्स थैला बैग टाइप का रहता है, और बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के असर देखने में लगा रहता है। बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता था, लिखवाए थे आप लोग को? ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, वो भी बना होता था लिपिड एंड प्रोटीन्स का, ये भी किसका बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन्स का। चलिए लिखिए जल्दी, बताओ कितने तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसमें ये इस प्रकार का रेड वाला जो दाना दिख रहा था नहीं था। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसिन, अपसिन्स ऑफ राइबोजोम्स। इसमें राइबोजोम्स नहीं चिपका रहता, तो चिकना होता है, स्मूथ होता है। इसमें राइबोजोम्स चिपका हुआ रहता है, तो प्रेजेंस ऑफ राइबोजोम्स। अगर कोई पूछेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है, तो ड्यू टू अपसेंस ऑफ राइबोजोम्स। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, तो प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोजोम्स। सिंपल आंसर है ना, लिख सकते हो। तो इस आधार पर देखते हैं राइबो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। तो चलिए दोनों का नाम लिखते हैं हम लोग, कौन कौन सा हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखिए यहां पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर ए, ए में आ गया एसईआर, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बीम हो गया आरईआर, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब आएगा पहला क्वेश्चन, बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईयर। देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीआर एंड आरईआर। देखो एसीआर क्या करता है ना, एसीआर पहले तो रफ आरईआर, देखो आरईआर में मौजूद रहता है राइबोसोम्स, क्या मौजूद रहता है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम क्या रहता है, प्रोटीन बनाना, क्या बनाना काम रहता है इसका, मेन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब ये प्रोटीन बन तो गया, यहाँ पर बनने के बाद सेल के डिफरेंट पार्ट में जाना है, तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हेल्प करता है। क्लियर है, ये समझ में आया। जबकि एसीआर क्या होता है, चिकना होता है, और हम लोग का स्किन वगैरह चिकना होता है ड्यू टू फैट, तो ये किसको बनाने का मदद करता है, फैट बनाने में काम मदद करता है। ठीक है, फैट बनाता है और लिपिड बनाता है, ठीक है, जो कि हम लोग के सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ठीक है, यह समझ में आया। अब देखो यहाँ प्रोटीन बन रहा है, यहाँ लिपिड बन रहा है, अभी भी पढ़े थे प्रोटीन और लिपिड मिलके क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, नहीं सेल का दीवार को बनाता है। देख लो कहाँ पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखना इसने आतिब सभी को, आप लोग देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम प्रोटीन बनाया और एसीआर लिपिड बनाया, और प्रोटीन और लिपिड मिलके क्या बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, और इसी को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आप लोग को लिखना नहीं है, अभी हम लिखवाएंगे, देख लो कितना इंपॉर्टेंस है सबका, समझ में आया। बाकी तो लिपिड और प्रोटीन तुम्हारा हार्मोन्स हार्मोन और इस सब में मदद करता ही करता है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, समझ में आया। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है एक तरह से चैनल काम करता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर ले जाने का। अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स किस में मदद करता है, जल्दी बताओ, राइबोसोम्स विच आर द साइट्स ऑफ, यही तो बनता है हम लोग का प्रोटीन, विच आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग यही होता है, और प्रोटीन तो जरूरी है हम लोग के लिए, बॉडी के लिए, सबको मालूम है। दिस प्रोटीन, इसके बाद इस प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह भेजा जाता है ना, दिस प्रोटीन इज देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल, various places in the cell by using ER, endoplasmic reticulum के मदद से ही उसको भेजा जाए। SCR का काम क्या है, SCR is smooth, क्यों smooth है भैया बताओ, due to absence of ribosomes, absence of ribosomes, इसमें ribosomes नहीं रहता है इसलिए स्मूथ होता है। It helps in manufacturing of fat and lipids, manufacturing किसके manufacturing में मदद करता है, manufacturing of fats and फैट्स, और इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, लिपिड्स,
और लिपिड्स, फैट्स और कर दो इसको, फैट्स और लिपिड्स। और सभी को मालूम है प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलते तो क्या बनाते हैं, बोलो, सम प्रोटीन्स। यहाँ प्रोटीन्स बन गया था, यहाँ प्रोटीन बना था, यहाँ पर लिपिड बन रहा है, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स किसमें हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में करते हैं ना, हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, और दिस प्रोसेस इज नॉन ए सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज वट नॉन एज, इसी को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये हो गया आप लोग का ये वाला पार्ट। यहां पर बॉयज लोग लिख रहे हो ना सभी कोई, हाँ लिखिएगा, सम प्रोटीन्स एंड हार्मोन, सब प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वो किसके साथ वर्क करता है, वो काम करता है आपका फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के रूप में काम करता है। साथ ही साथ क्या होता है, साइटोप्लाज्म का सबस्टांस को न्यूक्लियस के अंदर ले जाना, न्यूक्लियस के सबस्टांस को साइटोप्लाज्म में ले जाना, ये भी काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो क्यों ना हम लोग लिख देते हैं कि सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ for the transport of materials between cytoplasm and nucleus or केवल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सिर्फ साइटोप्लाज्म ही एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाता है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ले जाने का काम करता है, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो लीवर सेल में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, हम लोग के शरीर में है ना लीवर, इन द लीवर सेल, हम लोग को लीवर सेल में अगर कोई मान लो कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस गया तो उसको हटाने का काम भी यही करता है, इन द लीवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, जिसके पीठ में हड्डी रहता है, बैकबोन जिसका रहता है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ACR ACR detoxify many poisons and drugs, इतना ज्यादा importance है इसका poisons and drugs। सोच लो अगर किसी जहरीला पदार्थ गया है तो उसको खत्म करने का भी यही काम करता है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका।